कभी मुगल शासक शेरशाह सूरी द्वारा दिल्ली से लाहौर तक जो रोड बनाया गया, आज उसे हिंदुस्तान में जीटी रोड के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन आजकल उस रोड की पहचान केवल हाईवे के रूप में नहीं, सत्ता तक पहुंचने के लिए भी होने लगी है। इसी जीटी रोड पर दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में ऐतिहासिक शहर पानीपत है, जो पानीपत की लड़ाई और टेक्सटाइल नगरी के रूप में जाना जाता है। मगर इन दिनों यह नगरी जहां अनेक समस्याओं से जूझ रही है, वहीं यहां की एक विधानसभा सीट जिसे पानीपत ग्रामीण का नाम दिया गया है, यहां पर अब की बार राजनीतिक घमासान होना तय है। क्योंकि भाजपा यहां हैट्रिक बनाने के लिए आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस हर हाल में भाजपा से यह सीट छीनने के लिए बेकरार है। मगर सीट जितनी हॉट है, उसी के हिसाब से यहाँ हर पार्टी के दावेदारों की भी लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस में तो इतनी लंबी लिस्ट है कि पार्टी तो छोड़िए, हुड्डा साहब को भी टिकट देने में पसीना आने वाला है, जिसमें कांग्रेस के NSUI संगठन में सचिव के पद पर कार्यरत प्रियांश मलिक भी यहाँ से पार्टी में युवाओं को मौका देने की बात उठा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जो सीट है, आजकल वो पूरे प्रदेश में चर्चा में आई हुई है। लंबे टाइम से कांग्रेस ने खाता नहीं खोल रहा, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से इलेक्टेड हो रहा है। इस बार कांग्रेस और खासकर प्रतिपक्ष के जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा की विशेष नजर है। और उस विशेष नजर पे मैं एक और बात करूँ, दीपेंद्र हुड्डा युवाओं में भी एक भविष्य देखते हैं और युवा जो है उनकी NSUI की एक कड़ी है, उसमें उनको क्रीम छाटकर चुनाव से इलेक्टेड मतलब पर्सन है वो, जो लोग उनको आगे बढ़ाने की एक कोशिश उनकी जारी है। और इसी कड़ी में NSUI के जो प्रदेश सचिव हैं प्रियांश मलिक, जो लंबे टाइम से कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़े हुए हैं, इस विधानसभा सीट पे वो दावेदार भी हैं। उनका दावा क्यों है और वो कैसे जीत सकते हैं और मतदाताओं की उनकी नज़र में मतदाताओं का क्या मूड है, मैं ये जानने के लिए आज विशेष तौर पे उनके निवास स्थान पर आई। प्रियांश भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रियांश, अभी करीब 2 सप्ताह पहले दीपेंद्र हुड्डा का भी यहाँ प्रोग्राम था पानीपत का, मैं देख रही हूँ दीपेंद्र हुड्डा आजकल इस सीट पर बहुत फोकस किए हुए, क्या लगता है आपको, क्यों आ रहे हैं बार बार? दीपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस सीट को टारगेट इसलिए किए हुए हैं कि पिछले 2 दिन प्लान से जी, आज तक 3 प्लान हुए हैं ये सीट बनी हुए जी, तो कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया अभी तक यहाँ पे। मुख्य टारगेट ये है और लोग मतलब चाहते हैं कि कांग्रेस को वोट दें अबकी बार जी, तो इसलिए वो पूरे अपने टारगेट में ले रखा है कि यहाँ लोगों के नाम से टटोलें कि कौन इस सीट को निकाल सकता है और क्या जो पिछली बार गलतियां हुई गलतियां दोबारा ना हो। देखो, टारगेट तो लेके चल ही रहे क्योंकि 10 साल से वो सत्ता से बाहर है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए युवाओं पे भी नजर है। लेकिन कांग्रेस में एक बात देखी जाती है कि भाई 2 बार हार गया ये XMLA है, तो यूथ कैसे आए, दीपेंद्र की तो सोच है, युवा भी सोचते हैं कि भाई हम भी आए, हमें भी मौका मिले, क्यों बार बार एक्स को दिया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको इस बार युवाओं को तहेज दी जाएगी कांग्रेस में? आने वाले चुनाव तो बिल्कुल नजदीक आ गए। बिल्कुल, मुझे पूरे उम्मीद है अब की बार नए चेहरों पे विश्वास करके उनको टिकट दी जाएगी, क्यों जब नए चेहरों को मौका मिलेगा तो वो अपने उस टाइम ही अपना कुछ नया करके दिखाएंगे, नई सोच के साथ आगे। दीपेंद्र जी भी नई सोच के साथ आके हरियाणा को संभालेंगे, इसलिए वो अपनी टीम को साथ के साथ लेके चल रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो अभी जैसे 2 सप्ताह पहले आपके निवास स्थान पे भी एक अच्छी खासी भीड़ थी और उन्होंने एक मैसेज भी दिया आपको कि भाई मैं आप मत बताओ, प्रियांश को मैं ज्यादा जानता हूँ, तो इससे क्या मैसेज जाता है आपकी समझ में, मतलब लोगों में एक मैसेज तो जाता है कि भाई किस दावेदार के बारे में वो क्या कह रहे हैं? और मैं तो लगातार इस सीट पे देख रही हूँ जितने भी दावेदार, ये तो एक हेल्दी कंपटीशन है, सब लोग चाहते हैं, तो क्या लगता है कि मतलब यूथ पे उनकी नजर तो है लेकिन पार्टी हाई कमान इस बात को अप्रिशिएट करेगी कि भाई हाँ यूथ आगे आए और पार्टी कमान संभाले? पार्टी हमारे यूथ कांग्रेस पिछले काफी टाइम से यूथ का अलग कोटा होता है जी, तो उस कोटे से यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी वो टिकट मिलते हैं मेहनत के दम पर। अच्छा, आपको तो वैसे भी एक संगठन का अच्छा खासा मतलब जानकारी है और संगठन से ही निकल के आए हैं
और कांग्रेस में संगठन के लोगों को तवज्जो भी दी जाती है जी। तो ये इस तवज्जो की भी मैं बात करूं तो इस विधानसभा सीट जो ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा सीट है इसमें शहरी भी बहुत सारी कॉलोनी आती है, तो किस तरह की तासीर क्या मतलब एक बेस बनता है? अभी जो पानीपत ग्रामीण की जो कॉलोनियां सात लगती कॉलोनियां पानीपत ग्रामीण के अंडर आती हैं जी, वो लोग 10 साल से परेशान है कि पानी की समस्या हो या बिजली की समस्या हो, गलियों की समस्या हो, तो आप खुद जाके देखें कि किस तरह के तरीके से वो जीते हैं अपना, और उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। नगर निगम में हर जगह भ्रष्टाचार है, विधायक को देख विधायक कभी किसी के पास ना गांव में जाने का गांव होता है ना कॉलोनी में जाने का, खुद का करते हैं, सुनवाई नहीं करते किसी। आज आपने समस्याओं की बात बताई, मैंने खुद इस विधानसभा सीट के गाँव से एक शुरू किया है पड़ताल, सरकार के दावे और हकीकत। मैं कल बराना गांव में थी परसों, और मैं फिर भी और भी किसी गांव में जाऊंगी, तो मतलब जो ठीक है आपने बताई कि ये समस्याएं मूलभूत जरूरत और मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, और आपका भी दावा और मैंने खुद भी देखी बहुत चीज़ों से ये लोग वंचित हैं, तो सिर्फ इसी बेस पे कांग्रेस का कैंडिडेट जीते ये मेरी नज़र में तो नहीं है सही। इसी बेस पे और क्या चीजें हो सकती है कि जिसे मतलब मतदाताओं को तो रिझाना पड़ेगा ना, पार्टी की नीतियों को उनको जोड़ना पड़ेगा। मतदाता खुद समझदार हो चुके हैं आज के समय में, वो कैंडिडेट का हर चीज देखते हैं कि किसका कैसा स्वभाव है, कैसी उसकी छवि है और कौन हमारे लिए काम कर सकता है। देखो प्रियांश, मैं एक बात और कहूंगी, कांग्रेस पिछले 10 साल से संघर्ष कर रही सत्ता मानने के लिए, बीजेपी का मुकाबला करना आसान भी नहीं है, आप भी मानते हैं जब सत्ता में होती है कोई भी पार्टी तो वो अपना संगठन अपना सब कुछ मजबूत कर लेती, और कांग्रेस इसी पुराने पे ढरे हुए चलती रही कि भाई हमने तो पार्टी ने बड़ी कुर्बानी दी, हमने 100-100 गज के प्लाट दिए, हमने पानी की टंकी दी, वो चीजें पुरानी हो गई हैं। मतदाता किस बात से, मतदाताओं के जो मुद्दे हैं जो आम जनता के, उन मुद्दों का कांग्रेस किस तरह से राजनीतिकरण करे कि लोग आपके साथ जुड़े। मतदाता खुद देख रहे हैं पिछले 10 साल से, उनको बताने की जरूरत तो बताएंगे, जब समय आएगा हम जाएंगे, जा भी रहे हैं, लेकिन वो खुद अब परेशान हो चुके हैं कि किस तरीके से इस भ्रष्टाचारी सरकार से हमारा पिंड जुटाया जाए, और उन्होंने काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिछले 10 साल के भी देखे, और अब 10 साल इनको भी होने वाला है मनोहर लाल जी को, तो वो कंपेरिजन खुद कर रहे हैं कि कौन से राज्य में हमारे काम हुए थे, वो खुद अब कंपैरिजन तो माफ कर रहे हैं। वो जो कंपैरिजन वाली बात है उनको आप कितनी बार बता चुके हो, कितना आपने अपना एरिया कवर किया है, क्योंकि लंबा चौड़ा एरिया शहर की कॉलोनी भी है गांव भी, तो आप उन बस्तियों में उन कॉलोनियों में जाके उन लोगों से कितना जुड़े हैं? हम तो यहीं रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, आना जाना सुख दुख में हमारा चलता ही रहता है, कोई हम बाहर से तो है नहीं कि बाहर से आना पड़ेगा, तो लोगों का जुड़ाव बन पाया है आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल साथ है मेरे साथ है, तो लगता है आपको कि पार्टी आपको मौका दे? मुझे तो पूरी उम्मीद है, बाकी नेतृत्व को फैसला लेना है, नेतृत्व फैसला लेगा तो हम ये सीट ग्रामीण की सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। ये ठीक है आपका दावा है, मेरा एक सवाल और है, और ये सवाल मैं इसलिए पूछती हूँ कि जिन सीटों पे कांग्रेस लंबे टाइम से नहीं आई वहाँ अब लगता है कि कांग्रेस का माहौल बन रहा है, और दावेदार भी बहुत हो गए, जितने दावेदार, मुझे एक बड़े नेता ने एक बात कही थी कि जितने दावेदार उससे पार्टी को नुकसान होता, तो इन दावेदारों में टिकट तो एक जगह पे आनी है, तो जो बाकी हैं उनमें नाराजगी हो जाती है और फिर वो पार्टी को भी नुकसान करते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है क्या नजर? नहीं देखो, हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, तो हम पिछले जब भी 2-3 प्लान से टिकट मिल रही है, हम जो कैंडिडेट होता है हम खुद कैंडिडेट बन के काम करते हैं उनके लिए, और आगे भी ऐसे ही करेंगे। हमारा मुख्य है कि पानीपत ग्रामीण की सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालना, तभी चीफ मिनिस्टर बनेगा, तभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तभी कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी। हम खुद अपने के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन ये पार्टी को देखना कि हमारी सीट यहाँ से कौन निकाल सकता है। ये थे प्रियांश मलिक हमारे साथ, और इनका दावा है कि दावेदार भले ही कितने हो लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता और मतलब उम्मीदवार बन के काम करे ताकि इस सीट को निकालकर भूपेंद्र हुड्डा की झोली में डाला जा सके। देखते हैं आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में किस तरह का मुकाबला होता है, और कांग्रेस किन युवाओं पर भरोसा जताती है या फिर पुराने जो मोहरे हैं उन पर दोहराती है।
लेकिन प्रियांश को उम्मीद है कि इस बार युवाओं को भी मौका मिलेगा। इनका अपना एक अलग से कोटा होता है। ये दीपेंद्र हुड्डा के अच्छे सिपाही हैं, संगठन के जानकार हैं और बेहतर तरीके से इनका कामकाज, दीपेंद्र हुड्डा ने भी इनके कामकाज को अभी सराहा था। पानीपत से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।